पेगासस जासूसी मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीपीएस सांसद। टीआरएस सांसद को 6 महीने की जेल, मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में सजा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भर्तियों के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की रिपोर्ट में खुलासा। कर्नाटक में भारी बारिश और जमीन धंसने से 9 की मौत, 3 लोग लापता। महाराष्ट्र में तबाही का मंजर, 24 घंटे के दौरान भूस्खलन और बाढ़ से 112 की मौत, 99 लापता। यूपी में स्वतंत्रता दिवस से 217 शहरों में फ्री वाईफाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉटस्पॉट चिन्हित करने के दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ सरकार की ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों से आ रहे लोगों पर सख्ती, दिखानी होगी रिपोर्ट। यूपी में लखनऊ समेत 5 शहरों में आयकर का छापा, 200 करोड़ के अघोषित लेनदेन के दस्तावेज बरामद। वाराणसी में फुलवरिया 4 लेन आरओबी का हुआ टेंडर, काम खत्म करने की समय सीमा भी तय। रामपुर में कैंटर और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। ब्रिटेन में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 6 लोग गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की अफगान राष्ट्रपति गनी से फोन पर बात, कहा अमेरिका करता रहेगा मदद। ट्रंप ने की बाइडेन प्रशासन की आलोचना, कोरोना वायरस, सीमा सुरक्षा और ऊर्जा नीति का उठाया मुद्दा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर कश्मीर को लेकर नीति बदलने का विपक्षी दल पीएमएलएन ने लगाया आरोप। तालिबान के साथ जारी लड़ाई के बीच अफगानिस्तान से लगती सीमा पर पाक ने तैनात की सेना, सीमा पर तनाव पैदा होने के मद्देनजर लिया गया यह फैसला। मीराबाई चानू ने भारत को दिखाया पहला मेडल, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता, शूटिंग में सौरभ चौधरी 7वें स्थान पर रहे। टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक की रेस से बाहर हुई मनु और यशस्वी, क्वालिफिकेशन राउंड में मनु 575 अंकों के साथ 12वें और देसवाल 573 अंकों के साथ 13वें स्थान पर। जोमीमा रोड्रिक्स ने द 100 में खेली धुरंधार पारी, नाबाद 92 रन बनाकर सुपर चार्जर्स को दिलाई जीत। श्रीलंकाई दिग्गज ने बताया स्पेशल खिलाड़ी, टीम इंडिया को दी खास नसीहत। इंग्लैंड में क्रिकेट टूर्नामेंट द 100 में अब ताहा मकसूद महिला क्रिकेट ने पेश की अनोखी मिसाल, हिजाब पहनकर की बॉलिंग, अब ताहा की तस्वीरें हुई वायरल। सलमान खान नहीं, करण जौहर करेंगे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का अगला सीजन होस्ट, मेकर्स लेकर आए सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेज़न प्राइम पर 14 अगस्त को गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग 4 भाषाओं में होगी रिलीज। पैंडेमिक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म विनगार्ड ने किया है फिल्म का निर्देशन। प्रभास ने अमिताभ बच्चन के साथ शुरू की नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग। फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ भी लीड रोल में आएंगे नजर, सेट से सामने आई मुहूर्त की तस्वीरें। डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने किया ऐलान, फिल्म शमशेरा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सिनेमाघरों में ही करेंगे रिलीज। इस फिल्म में रणबीर कपूर और संजय दत्त ने निभाया लीड रोल। महेश बाबू ने ठुकराया ऋतिक रोशन स्टारर रामायण का ऑफर, मधु मंटेना और नीतीश तिवारी ने अगले साल 2022 के मध्य से रामायण की शूटिंग होगी शुरू।
बात 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।